एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस या थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये फ्रिंज विड्थ क्या है, देखो एक बार ध्यान से देखो, तो इसके अंदर मान लो दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के बीच में स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को क्या लेते हैं, छोटा डी। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को लेते हैं हमेशा बड़ा डी, छोटा डी बड़ा डी। दो स्लिट्स का सेंटर, सेंटर के आगे स्क्रीन का सेंटर, तो स्क्रीन का जो सेंटर होता है वो स्लिट्स के मिड पॉइंट के सामने होता है। हम सारे डिस्टेंसेस इस सेंटर से लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेंटर बनता है जो स्लिट्स का मिड पॉइंट है। तो जैसे दो वेव्स हैं, एक वेव यहाँ से गई एक वेव यहाँ से गई, तो ये और ये वेव ने डिफरेंट पाथ कवर किया, तो इसके पाथ को अगर मैं इसके पाथ से माइनस कर दूं तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो जैसे अगर इनके पाथ डिफरेंस को माइनस करें और वो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो तो पी पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, और अगर 2n-1 × λ/2 हो तो ये पी पॉइंट मिनिमा आएगा। चलो इन एनी केस जो भी आएगा बात अलग है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ डार्कनेस के पॉइंट बनेंगे, कुछ ब्राइटनेस के, कुछ डार्कनेस के और कुछ ब्राइटनेस के। तो इस स्क्रीन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी, तो डार्कनेस भी होगा, ब्राइटनेस भी होगा, डार्कनेस भी होगा और ब्राइटनेस भी होगा। मुझे ये विड्थ निकालनी है डार्कनेस और ब्राइटनेस की क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी। इस डार्क और ब्राइट बैंड को इस टॉपिक में क्या बोलते हैं, फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो मुझे क्या निकालना है इस टॉपिक में, मुझे इसमें विड्थ निकालनी है कि क्या होगी, किसकी, ब्राइटनेस की और डार्कनेस की, तो जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। YDSC के अंदर डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसकी चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको करने के लिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, इसको डिस्कस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, दो स्लिट्स ली और कोई पॉइंट पी लिया जहाँ पर मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस क्या है, अगर ये पाथ डिफरेंस यहाँ पर एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, 2n-1 × λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, पाथ डिफरेंस निकलता कैसे है, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए काम करते हैं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक वेव यहाँ से आई और ये वेव ने डिस्टेंस कितना कवर किया, BP, और एक वेव यहाँ से आई तो ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, AP, तो ये डिस्टेंस कितना है BP, ये डिस्टेंस कितना है AP, तो अगर मैं इन डिस्टेंसेस को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, BP-AP, यही क्या माना जाएगा, मेरा पाथ का डिफरेंस। तो मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या बनेगा, BP-AP, कोई डाउट इसमें, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू इज इक्वल टू BP-AP। तो ये जो पाथ डिफरेंस है BP-AP निकलेगा कैसे, एक काम करते हैं, मैं इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, जैसे पहले मैं BP निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला, इसके अंदर ये बेस कितना है, डी, कैपिटल डी, क्योंकि स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी क्या होती है, कैपिटल डी। ठीक है, तो कैपिटल डी, हम डिस्टेंसेस पी पॉइंट के या किसी भी पॉइंट के कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम सी। तो मान लो पी पॉइंट की दूरी यहां पर कितनी है, एक्स, ये हम निकाल लेंगे एक्स, और ये क्योंकि स्मॉल डी है, दो स्लिट्स के बीच में दूरी स्मॉल डी होती है, तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, D/2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2। अब यानी कि ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, X+D/2, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल D² + X+D/2 का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे और हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल D/2 + X का होल स्क्वायर, क्या आ गया, BP। सिमिलरली अगर मैं AP निकालना चाहता हूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल AP के लिए, इसमें बेस कितना है, कैपिटल D, मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, X, और ये आधा डिस्टेंस कितना है, स्मॉल D/2, अगर ये स्मॉल D/2 तो ये भी कितना, D/2, तो ये क्या बनेगा, X-स्मॉल D/2।
तो पाइथागोर से एपी क्या जाएगा, एपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक? तो मैंने पाइथागोर से बीपी और पाइथागोर से मैंने क्या निकाल दिया, एपी। तो आप चेक करो इसमें, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये देखो क्या निकाला, बीपी। सीधा यहाँ पे देखते हैं, बीपी क्या है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, कैसे, इस पूरे एक्सप्रेशन में से कैपिटल डी स्क्वायर को बाहर निकाल लो कॉमन। तो अंडर रूट का मतलब हाफ, कैपिटल डी स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, अकेला कैपिटल डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा वन, और यहाँ पर कैपिटल डी था ही नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ा बाय कैपिटल डी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बीपी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये टर्म बहुत छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो बाइनोमियल लगती है मैथ्स में, तो बाइनोमियल में हाफ को इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो अप्रॉक्सीमेटली ये रिजल्ट आ गया बीपी का। तो कुछ नहीं करना, बाइनोमियल में हाफ को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया मेरे पास, बीपी। कोई डाउट इसमें? तो मेरे पास क्या आ गया, बीपी। राइट, क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, एपी। एपी मैंने आपको निकालना सिखा दिया पाइथागोरस से, इसमें से भी कैपिटल डी स्क्वायर अंडर रूट में से कॉमन निकाल लो कैपिटल डी, तो यहां पर क्या आएगा वन, और कैपिटल डी से क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डी स्क्वायर से डिवाइड। तो यहां से हाफ, ये हाफ है यहां पे, प्लीज करेक्शन है, तो ये हाफ को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल, तो मेरे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या निकाल दिया, बीपी, मैंने क्या निकाल दिया, एपी। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बीपी माइनस एपी। तो बीपी माइनस एपी में ये बीपी है, कैपिटल डी कॉमन, और ये एपी है। इसको आपने प्लीज सिंप्लीफाई करना है, वन से वन कैंसिल, टू डी स्क्वायर एलसीएम लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है, और सीधा ये आंसर आएगा। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वेव का किसी भी पॉइंट पर, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसे मार्क करके याद करो, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू इज एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद ही कर लेना है, आप इसे सिंप्लीफाई करो ना करो, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं, पर अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, आपके कई न्यूमेरिकल्स आपसे गलत हो जाएंगे अगर ये याद नहीं होगा। तो पाथ डिफरेंस दो वेव का पी पॉइंट पर क्या रहेगा, एक्स, छोटा डी बाई बड़ा डी। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर एन लैम्डा हो गया तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस या फिर मैक्सिमा। और अगर ये पाथ डिफरेंस एक्स टी बाई डी टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू हो गया तो कौन सी इंटरफेरेंस हो गई, डिस्ट्रक्टिव। तो डिपेंड करेगा ये, तो अब मुझे तो पता नहीं ना पी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा तो मैक्सिमा, टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू तो मिनिमा। सही है? तो यहां पर पाथ डिफरेंस एक एक करके करते हैं, अगर एन लैम्डा तो मैक्सिमा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ गई, इसे बॉक्स में डालो, ये एक्स पता है क्या आ गया, ये एक्स आया। अगर आप एन को जीरो वन टू थ्री फोर पुट करते हो, तो जैसे अगर जीरो पुट करते हो तो एक्स जीरो आएगा, वन पुट करते हो तो ये आएगा, टू पुट करते हो ये आएगा। ये सारे डिस्टेंसेस है कहां से, सेंटर से, किसके, फर्स्ट ब्राइटनेस के, सेकंड ब्राइटनेस के, थर्ड ब्राइटनेस के। तो न्यूमेरिकल आएगा कि बताओ सेंटर से थर्ड ब्राइटनेस का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या पुट करेंगे, एन की जगह थ्री, थ्री लैमडा डी बाई डी। सेवंथ ब्राइटनेस का डिस्टेंस बताओ, सेवन लैमडा डी बाई डी। एनथ ब्राइटनेस का डिस्टेंस बताओ, एन लैमडा डी बाई डी। ठीक है? और सेंटर पॉइंट पे जाने के लिए n इज इक्वल टू जीरो, तो x जीरो हो जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा वही c पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट रेंज, सेंट्रल ब्राइट रेंज है। तो डिस्टेंसेस कैसे निकलते हैं समझ में आ रहा है? तो आपने इन जनरल ये फॉर्मूला यूज करना है, टेंथ ब्राइट रेंज बोलेगा, इलेवंथ बोलेगा, ट्वेल्थ बोलेगा, n की वैल्यू पुट करते जाओ x आता जाएगा। राइट? अब उसी तरीके से अगर बात करते हैं मिनिमा की, तो अगर ये पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, एक्स आ गया, तो ये कंडीशन क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ मिनिमा, कहां से, फ्रॉम सेंटर। और कहां पे निकल रहे हैं डिस्टेंसेस, स्क्रीन के ऊपर। तो एन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे वन टू थ्री फोर, तो आपके पास पहला डिस्टेंस ये आएगा, ये क्या आएगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। सेकेंड के लिए एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर करते जाओ, और एनथ के लिए ये फॉर्मूला, तो एनथ के लिए ये फॉर्मूला याद करेंगे, तो एनथ डार्क फ्रिंज का ये डिस्टेंस याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 11th डार्क फ्रिंज, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 11, 7th डार्क फ्रिंज तो n की जगह 7, तो दोनों फॉर्मूलास क्लियर हैं। तो अगर वो डिस्टेंस सेंटर से पूछेगा ब्राइट फ्रिंज का तो n लैम्डा d बाई डी, और अगर डार्क फ्रिंज का तो 2n-1 लैम्डा बड़ा d बाई स्मॉल 2d। सही, यहाँ तक क्लियर है, तो डिस्टेंसेज आ गए। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब अगर आप इसको अगर डिस्टेंसेज को ध्यान से देखें तो इन डिस्टेंसेज पर मैक्सिमा आया। तो अगर मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन की बात करूं तो ये आपकी मान लो स्क्रीन है, राइट, सपोज करो एक स्क्रीन हम ड्रॉ करते हैं, ये देखो, तो मान लेते हैं ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 0, सेंट्रल पॉइंट था, फिर मैंने क्या कहा था x1 क्या आया था लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये क्या पॉइंट था ब्राइटनेस का, ये पॉइंट भी क्या है ब्राइटनेस का, फिर नेक्स्ट ब्राइटनेस का पॉइंट देखना 2 लैम्डा डी बाय डी, ये भी पॉइंट क्या है ब्राइटनेस का, और अगर हम डार्कनेस की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट था चेक करो जरा x1 डैश कितना आया था लैम्डा डी बाय 2d, ये किसका पॉइंट है डार्कनेस का, नेक्स्ट डार्कनेस देखो कहाँ आई थी, नेक्स्ट डार्कनेस है 3/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी डार्कनेस। तो आपने एक चीज नोट की, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, तो यानी कि ऑल्टरनेटिव जो है फ्रिंजेस निकलेंगी, ब्राइटनेस के बाद पक्का डार्कनेस निकलेगी, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस केस में मुझे निकालना क्या है, मुझे इस केस में निकालना है, तो हाँ ये मैंने बता दिया, बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस देयर इज वन डार्क फ्रिंज, एंड बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस देयर इज वन ब्राइट फ्रिंज, तो विड्थ ऑफ क्या निकालना है डार्क फ्रिंज, पेपर में आएगा विड्थ निकालना, पूरा लिखना है आपने। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज में क्या करना है, देखो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज में विड्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल बीटा, तो ये विड्थ किसकी है डार्क की, लिख लेना प्लीज, ये विड्थ किसकी है डार्क की। हम डार्क फ्रिंज कैसे निकालेंगे, हम एक काम करेंगे, हम nth ब्राइट, लिख लेना यहां पर, हम nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से n-1th ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो बीच में क्या आएगा डार्क। तो कहने का मतलब अगर ये सेंटर पॉइंट है तो अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज लूं एंड डिस्टेंस लूं n-1th ब्राइट का, तो अगर इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो बीच में क्या पाई जाएगी डार्क फ्रिंज। तो यानी कि आप ये ना सोचें कि डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है या विड्थ निकालनी है तो दोनों डार्क के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, नहीं, अगर विड्थ किसकी निकालनी है डार्क की, तो nth ब्राइट में से n-1th ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस करके डार्क फ्रिंज आएगी। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए ये विड्थ किसकी है डार्क की, तो ये क्या है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, ये देखो ये क्या है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, और n-1 के लिए n-1th ब्राइट, ये देखो, तो ये आपके पास जो विड्थ आई वो विड्थ किसकी आई डार्क की। समझ में आ गया यहां तक, कौन ब्राइट है कौन डार्क है इसमें? तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला याद करिए प्लीज, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, दिस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कैसी आएगी इसमें, ठीक उसी तरीके से विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो याद रखना ये विड्थ किसकी निकल रही है ब्राइट की, तो मैं क्या करूंगा nth कौन सा लूंगा डार्क, तो मैं यहां पर लिख लेना nth डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस में से n-1th डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को क्या कर दूंगा माइनस, तो nth और n-1th डार्क को माइनस करेंगे तो बीच में क्या निकलेगी ब्राइट। तो ये फॉर्मूला किसका था nth डार्क का, n-1th के लिए रिप्लेस n विद n-1, इनको माइनस करके आंसर कमाल की बात है एग्जैक्टली क्या आएगा सेम, तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ एग्जैक्टली क्या होती है सेम, ठीक है यहां तक? तो ये आपको प्रूव करना है विड्थ ऑफ डार्क और विड्थ ऑफ ब्राइट आपने कैसे निकालनी है, ठीक है यहां तक?
बिल्कुल विड्थ सेम रहेगी, पूरे पैटर्न में सेम रहती है, ठीक। तो ये विड्थ सेम है। इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जब ये पैटर्न बनता है स्क्रीन पे, ठीक है, जब स्क्रीन पे पैटर्न बनता है तो स्क्रीन पे पैटर्न ऐसा थोड़ा ना बनता है, ये तो इंटेंसिटी ग्राफ है। स्क्रीन पे तो ऐसा पैटर्न बनता है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ब्राइट दिखेगा, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, डार्क, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको ब्राइट दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ पोर्शन जो ब्राइट दिखता है, तो इंटेंसिटी ब्राइट की ऐसी दिखेगी, ये इंटेंसिटी ब्राइट की इंटेंसिटी है, ठीक। उसके बाद क्या है ये कि डार्क इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो गई, ये फिर ब्राइट हो गई और कम हो गई, ये ब्राइट हो गई और कम, तो इंटेंसिटी ये पूरा हम जो पॉइंट स्टडी करते हैं वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसका, मतलब ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। इंटेंसिटी का ग्राफ समझते हो कि एक्चुअल में क्या होता है, जब पैटर्न बनता है तो जैसे ये ब्राइट बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिखेगा आपको, ब्राइट दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा, फिर ये क्या दिखेगा, ब्राइट, ये क्या दिखेगा। अब आप कहोगे सर विड्थ तो चेंज हो रही है, तो वो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है, ये तो ग्राफ बना रखा है कि कैसे इंटेंसिटी ज़्यादा है फिर बिल्कुल कम है, फिर ज़्यादा है फिर कम है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो कैसे आपने इमेजिन करना है इसे, इस ग्राफ को, तो ये आपका YDSC का एक्सपेरिमेंट है और आपको पोजीशंस पता लग गई डार्क और ब्राइट की, यही इसका काम था एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें बनाया भी हुआ देखो, तो ये इंटेंसिटी है, देखो इंटेंसिटी बराबर होती है, ये सेंट्रल पॉइंट है, फिर डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, तो जहाँ डार्कनेस है उसने ये रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा स्ट्रिप बना दी। ब्राइटनेस है, देखो स्ट्रिप अपने आप बन गई, डार्कनेस है, स्ट्रिप बन गई, यहाँ से यहाँ डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, तो ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस चलती हैं डार्कनेस और ब्राइटनेस की, ठीक।